आगरा में किशोर की हत्या करने वाले बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भागने में रहा सफल। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। दोनों बदमाशों ने दौरा में किशोर को अगवा कर की थी हत्या। थाना एतमादपुर के भागुपुर में हुई बदमाशों से मुठभेड़। आगरा में थाना एतमादपुर के भागुपुर के पास 9 साल के मासूम को अगवा कर हत्या करने वाले दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि थाना एतमादपुर के दौरा में 9 वर्षीय उपदेश को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी और गांव में ही भूसे के ढेर में उसका शव छुपा दिया था। उपदेश का शव मिलने के बाद से ही पड़ोस में रहने वाले बाहिद और अरमान पर परिवार वाले शक जता रहे थे। घटना का खुलासा करने के लिए SSP बबलू कुमार ने 6 टीमें गठित की थी। पुलिस को जानकारी मिली कि भागुपुर के पास 2 संदिग्ध लोग हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश बाहिद गोली लगने से घायल हुआ है और उसका साथी फरार होने में सफल रहा है। ANN के लिए मुस्तकिम सैफी की रिपोर्ट। स्वाट टीम और थाना एतमादपुर की टीम के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए तत्काल जो हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसका एक साथी जो है वो फरार हो गया है, जिसकी छानबीन के लिए हमने टीमें लगा दी हैं। कल थाना एतमादपुर के धौररा गांव में एक 9 वर्ष के बच्चे जो 2 दिनों से गायब था, उसकी डेड बॉडी गांव में मिली थी और वो एक बड़ी और दर्दनाक घटना भी थी। चूँकि गांव में ही उसको उसकी मृत्यु कर दी गई, उसमें दोषी अभियुक्त थे 2, वाहिद और अरमान, उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो वाहिद है उसको पैर में गोली लगी है।